स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। इस दावेज में कलाश्री और वेदश्री जी की राख है। अगर हमें वेदश्री जी को रिवाइव करना है तो हमें कलाश्री और वेदश्री जी की राख को अलग करना होगा। परंतु निशांत जी, कैसे संभव है? राख को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये किसकी है, वेदश्री जी की या कलाश्री की? देख के पता नहीं लगाया जा सकता पंडित जी, और इसलिए हमें इन दो स्तंभ की जरूरत पड़ेगी। स्तंभ? हाँ पंडित जी, ये त्रिकोण स्तंभ शक्ति केंद्र है। काला वाला काली शक्तियों के लिए और सफेद वाला अच्छी शक्तियों के लिए। ये शक्ति केंद्र सिर्फ अपनी जैसी शक्तियां अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए ये काला शक्ति त्रिकोण कलाश्री की राख को अपनी ओर खींचेगा और सफेद वाला त्रिकोण वेदश्री जी की राख को। माँ, हमें पक्का यकीन है इसने हमारे पतिदेव जी को जरूर कोई वशीकरण द्रव्य पिलाया होगा, इसलिए हमारे पतिदेव जी इस डेढ़ फुटी पे लट्टू हो गए। What nonsense! पूरी दुनिया में मुझे यही नमूना मिला क्या पटाने के लिए और वो वशीकरण द्रव्य डालने के लिए? और एक मिनट, डेढ़ फुटी किसे बोला? हाँ, तुम्हें। अबे यार, हमारी बात तो सुन लो यार। आप चुप रहिए। अगर मुझे किसी को वश में करना ही होगा ना तो मैं रणवीर सिंह को करूंगी। इस वियर्ड नमन को नहीं। ओ, तुम हमारे पतिदेव जी पे डोरे मत डालो। पूरा दिन चपड़ 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 क्या लगा के रखा है तुमने? अरे की एकदम भिन 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 माता खराब हो गया के बके। तुमने मेरी बेटी को मूरत बना दिया। कहा नहीं कर दिया, चुपचाप रहो, तुमको भी छुआ देंगे, समझे कि नहीं समझे? और हिलना बंद करो। मुझे पता था कि राख को हासिल करने के लिए तुम मेरे पीछे जरूर आओगे, इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी। आपको क्या लगा था रीवावंशी जी, आप मेरी बहनों की राख मुझसे दूर ले जाएंगे और मैं आपको जाने दूंगी? नहीं मोना, मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगे, और इसीलिए हमने वो खेल रचा था। मैंने इस तावीज में थोड़ी सी राख भर दी है, अब बाकी की राख को तुम दोनों को यहीं कहीं सेफ रखना होगा। जब तक मोहना यहाँ है, इस राख को यहाँ रखना सेफ नहीं है पापा। आंच सही कह रहा है पापा, हम राख जहाँ भी रखेंगे मोहना को पता चल जाएगा। और अगर ये राख मैं अपने साथ ले गया तो मोहना मेरा पीछा करेगी। एक काम करते हैं,
आप मोहना को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, तब तक हम ये राग कहीं छिपा देते। ये किराए पर पानी फिर जाना, ये कहावत तो तुम्हारे लिए सच हो गई मोना। मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशान, एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अरे वाह, आज लाइफ में तुमने पहली बार अच्छा काम किया है। चलो अब चले। कहाँ? अरे उन काली शक्तियों का शिकार करना है ना, उसके लिए और कहाँ। चल तो लेंगे, लेकिन ये काली शक्ति को ढूंढेंगे कहाँ पे हम? अरे मुझे पता है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे काली शक्तियाँ बराबर आती हैं। चलो चलो। वाह वाह, पहलवान पक्का किए बे। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने हमको गिराया क्यों? हमने तुमको गिराया कि तुम हमको गिराए हो? अबे कहाँ हो गया तुमको? यार तुम झूठ क्यों बोलते हो? यार अगर छोटा पहलवान को कोई गिराता है ना और उसे झूठ बोलता है ना, तो छोटा पहलवान कभी उसे माफ नहीं करता। मारने अभी तुमको, समझे? अब करे क्या? बाप रे बाप, ये पहलवान, ये देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये है चुड़ैल राग चक्र, इसी की वजह से हम लोग उस पार नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये राग चक्र बनाया किसने? मैंने किया। इस तावीज में कलाश्री और वेदश्री जी की राग है। अगर हमें वेदश्री जी को रिवाइव करना है तो हमें कलाश्री और वेदश्री जी की राग को अलग करना होगा। परंतु निशांत जी, कैसे संभव है? राग को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये किसकी है, वेदश्री जी की या कलाश्री की? देख के पता नहीं लगाया जा सकता पंडित जी, और इसलिए हमें इन दो स्तंभ की जरूरत पड़ेगी। स्तंभ? हाँ पंडित जी, ये त्रिकोण स्तंभ शक्ति केंद्र है। काला वाला काली शक्तियों के लिए और सफेद वाला अच्छी शक्तियों के लिए। ये शक्ति केंद्र सिर्फ अपनी जैसी शक्तियां अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए ये काला शक्ति त्रिकोण कलाश्री की राग को अपनी ओर खींचेगा और सफेद वाला त्रिकोण वेदश्री जी की राग को। निशान जी, वो क्या था? लगता है वो काली शक्ति हमें राग को अलग नहीं करने देना चाहती। यदि राग अलग अलग नहीं हुई तो हम वेश्री जी को वापस कैसे लाएंगे? उसके लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा पंडित जी, और वो भी जल्दी, क्योंकि अगर महाडायन पैदा हो गई तो वेश्री जी को रिवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। अविनाश चाचू ने घर और बिल्डिंग के साथ साथ आजू बाजू के एरियाज पे चेक कर लिए, लेकिन हमारा डायन रूप कहीं नहीं मिला। प्रिया, तुम्हारी पापा से कुछ बात हुई? हाँ जी हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने माँ और कलाशे की राग को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो तरीका काम नहीं आया। और साथ में ये भी कहा है कि अगर माँ डायन पैदा हो गई तो माँ को वापस लाना नामुमकिन होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम महाडायन को बनने नहीं दे सकते। लेकिन अंश, हम रोकेंगे कैसे? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा,
हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि महाडायन इस राख से बनेगी। एक तरफ हमें महाडायन को बनने से रोकना है और दूसरी तरफ इस राख को मोहना से बचाना है। आदि बेटा, इसे छुपा दो। वेरी गुड बेटा, आई एम श्योर अब मोहना राख को ढूंढ नहीं पाएगी। चलो माता जी, कहाँ हैं आप? टिपिकल सास की तरह बिहेव कर रही हैं भाई। हमको बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज हमको बाहर जाने दीजिए। आप समझ नहीं रही हमारी बात को। पहले हमारी बेटी को ठीक करो, उसके बाद ही हम तुम्हें ये चुड़ैल राग चक्र से बाहर निकालेंगे। हे माता जी, हम आपको यही समझा रहे हैं, ये हमने नहीं किया है माता जी, ये सिर्फ उस जादुई छड़ी की वजह से हो गया है। तुम्हारा मतलब इस जादुई छड़ी? साला, ये तो हम भूल ही गए थे कि हमारे ही हाथ में है ये। माता जी, हम आपको सच बता रहे हैं, हम आपकी बिटिया से ना बहुत प्यार करते हैं, मतलब अपनी मिसेज जी से। हम खुद नहीं चाहते हैं कि ये ऐसे मतलब मूर्ति की तरह रहे, बस हमारा बहुत अर्जेंट काम है। काम तो आप तब कर पाएंगे ना जब इस चुड़ैल राग चक्र से बाहर निकल पाओगे। पहले हमारी बेटी को सही करोगे, उसके बाद ही कहीं जा पाओगे। अरे माता जी, माता जी, अब बताओ उस्ताद क्या करें? एक चैलेंज हम पूरा करने निकलते नहीं हैं कि दूसरा शुरू हो जाता है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ यार, मतलब तुम ना एक नंबर के बेवकूफ ठहरे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो खुद चुड़ैल हो, तो तुम्हें ये राख चक्र तोड़ने का आइडिया नहीं पता? पता है हमको। पता है तो फिर बताओ, जल्दी बताओ। जो चुड़ैल ही राख चक्र बनाई है ना, ये सिर्फ वही तोड़ सकती है। मतलब तुम किसी काम के नहीं हो? कहाँ बोले हो? किसी काम के नहीं हो? छुआ देंगे ना बेटा तो निपट जाओगे, समझे? कोई तो आइडिया होगा ना? क्यों आई है आप यहाँ? अब क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं बस ये कहने आई हूँ कि अच्छी चाल चली तुम लोगों ने, मुझे रीवावंशी जी के पीछे लगा दिया और पीछे से राख छुपा दी। मुझे लगा था सिर्फ डायन खुदगर्ज होती है, लेकिन तुम इंसानों ने तो खुदगर्जी में डायन को भी पीछे छोड़ दिया। बजाय मेरे एहसान मानने। एहसान? किस बात का एहसान? मैंने तुम लोगों को डायन शीशे से निकालने के लिए अपनी एक आंख दे दी, और तुम पूछ रही हो किस बात का एहसान? चार पूर्णिमा, चार पूर्णिमा तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नई आंख बनने में चार पूर्णिमा लग जाती है। और आपने जो इतने सालों तक हमसे छीना, उसका क्या? आपने ना सिर्फ हमारा सुख चैन और खुशियां छीनी है, बल्कि न जाने कितनी बार हमें मारने की कोशिश भी की। और अगर अब तुम वो राख लेने आई हो तो भूल जाओ, क्योंकि हम तुम्हें वो राख कभी नहीं देंगे। मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ, तुम लोगों को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तुम लोगों ने मेरी बात ना मान के जो गलती की है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अंजाम? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।